नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जयशा सर्वाधिकारी। बारसोई प्रखंड से तौशिफ अहमद की रिपोर्ट। बारसोई में भी दिखा तूफान का असर। सुबह से ही बारसोई और आसपास के इलाके में बादल से पूरी तरह से अंधकार छा गया तथा हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। 11:30 बजे से हवा भी चलने लगी है। बारसोई में याश तूफान का असर आज दिख रहा है। बता दें कि आंधी तूफान को लेकर सरकार द्वारा पूरी तरह से पदाधिकारियों को अलर्ट में रहने का निर्देश दिया है। वहीं जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में सभी पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में रहने के लिए पत्र जारी किया गया है। वहीं नगर पंचायत के द्वारा एवं प्रशासन के द्वारा प्रचार गाड़ी के माध्यम से लोगों को आंधी तूफान के समय घरों में रहने के लिए कहा गया है। वहीं SDO पवन कुमार मंडल ने सभी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में बने रहने का निर्देश जारी किया है तथा सभी पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दिए हैं। इस आपातकालीन में पदाधिकारियों को पल पल की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में देने का निर्देश दिया है। SDO श्री मंडल ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बिना वजह घरों से बाहर ना निकले। इस आपदा का घड़ी में सभी लोगों को संयम बना रखना चाहिए तथा अनुमंडल प्रशासन पल पल की रिपोर्ट क्षेत्र से ले रही है। खिड़की क्या क्या दिखाए ये खिड़की।